नमस्कार दोस्तों, आत्मनिर्भर हम सीरीज में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल की। देश के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य में ढेर सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों को एक दूसरे से जोड़ने के लिए एक्सप्रेसवेज का जाल बिछाया जा रहा है। लखनऊ से गाजीपुर तक जाने वाला पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, चित्रकूट से इटावा तक जाने वाला बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने वाला गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। इसके अलावा कई एक्सप्रेसवेज का काम पूरा भी किया जा चुका है। आगरा को लखनऊ से जोड़ने वाला आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पूरे हो चुके हैं। इसके साथ साथ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी दिल्ली मुंबई चेन्नई हावड़ा को जोड़ने वाले रेलवे के प्रोजेक्ट डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर का भी बड़ा हिस्सा उत्तर प्रदेश में ही है। देश की एक और महत्वपूर्ण योजना दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत ग्रेटर नोएडा में इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल टाउनशिप प्रोजेक्ट पर भी तेजी से काम चल रहा है। यहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और मॉक्स जोन जैसे कई ग्लोबल और नामी प्रोजेक्ट्स भी हैं। उत्तर प्रदेश में ही NCR का दूसरा एयरपोर्ट ग्रेटर नोएडा के जेवर में बनाया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जेवर एयरपोर्ट समेत बाकी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से खासतौर पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा इलाके की तस्वीर कैसी होने वाली है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब एक्सप्रेसवेज के जाल के जरिए यूपी के सभी इलाके नोएडा और ग्रेटर नोएडा से कनेक्ट हो जाएंगे तो गौतम बुद्ध नगर जिले की अहमियत कितनी बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्टेशन आसान होने की वजह से निश्चित तौर पर नोएडा ग्रेटर नोएडा मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर देश का सबसे महत्वपूर्ण इलाका होगा। खास तौर पर रियल एस्टेट में निवेश की इच्छा रखने वालों के लिए उत्तर प्रदेश का ये इलाका एक सही चुनाव साबित हो सकता है। यहाँ के रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में निवेश आपके लिए एक लॉटरी साबित हो सकता है। अगर आप भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं तो सोच समझ कर नोएडा ग्रेटर नोएडा की लोकेशन में कोई ब्रांडेड प्रॉपर्टी चुन सकते हैं।